हल्की फुल्की भूख हो तो आप इसको तुरंत बनाकर खा सकते हैं, और जो कि प्रोटीन से भरपूर है, विटामिन से भरपूर है। तो चलिए गाइस इसको हम बनाना शुरू करेंगे। सोयाबीन स्नैक्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये सोयाबीन ली है। मैंने यहाँ पर सोयाबीन की बड़ियों को मिक्सी के जार में डालकर एक बार ग्राइंड कर लिया था। आप इसका चूरा भी ले सकते हैं, साबुत बड़ियाँ लेके आप उसको मिक्सी में ग्राइंड भी कर सकते हैं। और देखिए मैंने इनको इस तरह से मिक्सी में हल्का सा दरदरा पीस लिया। सबसे पहले हमने ये जो सोयाबीन लिया है इनको एक बाउल में डालकर इस तरह से हमने इनको बाउल में डाल लेना है। उसके बाद इसके ऊपर हम डाल देंगे ये आधा चम्मच नमक, सफ़ेद नमक, ताकि हमारे जो सोयाबीन है वो फीकी फीकी बिल्कुल भी ना लगे, हल्का सा नमक का स्वाद आए इसके अंदर। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। नमक मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम डाल देंगे ये एक गिलास पानी और फिर दूसरा गिलास। हमने इनको अच्छी तरह से डिप करना है ताकि अच्छी तरह से नरम हो जाए, फूल जाए अच्छी तरह से और सॉफ्ट हो जाए। इसको हम इस तरह से 5 मिनट के लिए रख देंगे ताकि हमारा जो सोयाबीन का चूरा है वो नरम हो जाए और गल जाए। देखिए 5 मिनट हो चुके हैं और हमारी जो न्यूट्री है वो भी अच्छी तरह से गल चुकी है, सॉफ्ट हो चुकी है। अब हमने इसको पानी से अलग कर लेना है इस तरह से निचोड़ के। हमने इसको निचोड़ के बिल्कुल ही ड्राई कर लेना है। देखिए इसके अंदर से मैंने जो सारा पानी है वो निकाल दिया, इसको अच्छी तरह से निचोड़ लिया है और ये बिल्कुल ड्राई भी हो गई है। अब हम इसके अंदर डालेंगे ये एक कटोरी बारीक कटे हुए प्याज, ये तो मैंने पहले ही बारीक चॉप कर लिया था। एक कटोरी टमाटर, इनको मैंने बारीक काट लिया था। ये 2 से 3 हरी मिर्चें हैं और यहाँ पर मैंने ये 2 नींबू लिए हैं। इन नींबू का हमने रस निकाल लेना है। देखिए नींबू का मैंने रस निकाल लिया है, नींबू का जूस मैंने निकाल लिया है, ये 2 नींबू थे। उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे ये 1 चम्मच नमक। नमक आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, पर ध्यान रहे कि हमने जब बड़ियों न्यूट्री को भिगोया था तो हमने उसके अंदर भी नमक डाला था, इसलिए आप नमक देखकर ही डालें। थोड़ी सी पीसी हुई लाल मिर्च, हमने पहले हरी मिर्च भी डाली है काट के, इसलिए मैं लाल मिर्च का यूज़ थोड़ा कर रही हूँ। आधा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच गरम मसाला और ये 1 चम्मच का चौथा हिस्सा ये भुना हुआ जीरा है। ये मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि इसका जो फ्लेवर है इसका बहुत अच्छा स्वाद आता है इसके फ्लेवर का, ये आप इसको ज़रूर डालें। ये सब डालकर आप इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब हम इसके अंदर डाल देंगे ये बारीक कटा हुआ हरा धनिया। हरा धनिया डालने के बाद इसके अंदर हम डाल लेंगे ये नींबू का रस और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसको। और देखिए ये सारे मसाले और हमारे प्याज टमाटर अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं और हमारा सोयाबीन चूरा चाट बनकर रेडी है। तो गाइस देखिए मेरा सोयाबीन चूरा चाट बनकर बिल्कुल तैयार है। झटपट बनने वाली चाट, बहुत ही इजी और सिंपल सी रेसिपी है ये। हल्की फुल्की भूख हो तो आप इसको अपने घर पर बनाकर खा सकते हैं। बिल्कुल ही ऑयल फ्री है और प्रोटीन से भरपूर है। तो गाइस आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है अपने कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।